अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के अंदर एक जब आप राशन कार्ड आप जब आप राशन कार्ड डाउनलोड करते हो उसकी अंदर स्पेसीमैन वाटरमार्क की प्रॉब्लम बहुत कुछ प्रॉब्लम देती है और उस वाटरमार्क को अभी फ़िलहाल उसको हटाने के लिए बहुत प्रॉब्लम हो रही है। ये ऐसा कुछ प्रॉब्लम बहुत कुछ लोग फेस कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। उसी को मैं अभी इस वीडियो में किस तरह से आसानी तरीके से उसको स्पेसीमैन को हटा सकते हैं उसके बारे में पूरा कंप्लीट डिटेल्स इस वीडियो में मैं बना चुका हूँ। प्लीज़ इस वीडियो आप कंप्लीट देखिए और उस स्पेसीमैन वाटरमार्क को आसानी तरीके से हटा कर आप भी एक परफेक्ट राशन कार्ड को डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे क्रोमो ब्राउज़र के पास आप क्लिक करना है। इस क्रोमो ब्राउज़र को क्लिक करने के बाद आपको गूगल वेबसाइट ओपन हो जाएगा। यहाँ पे सर्च बार में आपको आहारा बोल के सर्च करना है। यहाँ पे आहारा बोल के सर्च करना है, लिखना है और लिख कर सर्च करनी है, ठीक है। अब आप अभी दे सकते हैं, यहाँ पे लिंक ओपन हो चुका है कर्नाटका गवर्नमेंट का फूड ऑफिशियल पेज। यहाँ पे जो नीचे दिख रहा है द डिपार्टमेंट ऑफ फूड सिविल सप्लाइज एंड कंज्यूमर अफेयर, इसके इस लिंक के ऊपर आप क्लिक करनी है, ठीक है। क्लिक करने के बाद आपको फिर एक दूसरा नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, कर्नाटका ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो चुका है, फूड ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पे आप जो दिख रहा है आपको, यहाँ पे कर्नाटका सरकार की वेबसाइट है और यहाँ पे देखिए ई स्थिति वालों के ऑप्शन दिख रहा ना, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको लेफ्ट साइड में एक नया ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं ई स्थिति, इसके ऊपर क्लिक करनी है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको नीचे एक दो एक्स्ट्रा मिल जाते हैं ऑप्शन। यहाँ पे देखिए वसा हाली पड़ीकर चीती स्थिति बोल के है, वहाँ पे क्लिक कर रहे हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे तीन हमारी कर्नाटका गवर्नमेंट है ना, कर्नाटका गवर्नमेंट की ऑल डिस्ट्रिक्ट को तीन पार्ट्स किया गया है। उसमें हमारी है रायचूर डिस्ट्रिक्ट बोल के, यहाँ पे इसमें मिल जाता है। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है रायचूर, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको ऐसा एक पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पे जो दिख रहा है ना सेकेंड लाइन में, ये सेकेंड ऑप्शन क्लिक करना है, बड़ी तरह चीटी वगैरह बोलते हैं, बड़ी तरह चीटी वगैरह, यहाँ पे क्लिक करनी है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको एक ओटीपी का पेज ओपन हो जाता है, विथ ओटीपी विदाउट ओटीपी बोल के। विथ ओटीपी सिलेक्शन कर लेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। विथ ओटीपी सिलेक्शन करने के बाद हमको और ऐसा कुछ पेज ओपन हो जाता है नीचे। यहाँ पे हम नीचे राशन कार्ड की नंबर भी लिखना है पड़ता है दोस्तों। यहाँ पे देखिए नीचे का कॉलम दिख रहा है आपको, यहाँ पे राशन कार्ड का नंबर 230-300-1910-93, ठीक है। ये लिखने के बाद आपको सामने जो दिख रहा है गो बोल के ऑप्शन दिख रहा है, वहाँ पे क्लिक करना है। गो बोल के क्लिक करने के बाद आपको एक नया फिर एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे राशन कार्ड का नाम और नीचे देखे बेनिफिशियल की नेम, यहाँ पे क्लिक करनी है। यहाँ पे जो कितनी राशन कार्ड में कितनी लोगों का ऐड होना, यहाँ पे क्लिक करना है। देखिए यहाँ पे टू मेंबर ऐड हो चुके हैं, मोहम्मद हुसैन और अला प्रकाश बोल के, और आधार कार्ड भी लिंक हो चुका है, यहाँ पे बता रहा है दोस्तों। दोस्तों मैं अभी इसके ऊपर वाली ऑप्शन के ऊपर मैं क्लिक करूँगा, क्योंकि वो ये जो नाम है ना मेरा है, इसके ऊपर क्लिक कर लूँगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट बोल के गो है ना, वहाँ पे क्लिक कर देंगे। ये क्लिक करने के बाद हमारे को मेरे मोबाइल पे ओटीपी आ जाएगा, ठीक है, जो नाम पे हम
सेलेक्शन करके क्लिक करते हैं। यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे OTP आ चुका है मेरे मोबाइल में। मैं अभी इसको एंट्री करूँगा नीचे 6615444 बोल के आ गया। अभी लिखूँगा 6615444। ठीक है, यहाँ पे लिखकर हम नेक्स्ट दिख रहा है गो बोल के, यहाँ पे क्लिक करनी है। यहाँ क्लिक करने के बाद आपको आपकी रेशन कार्ड अभी ओपन हो जाएगा। ठीक है, ओके दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मेरा रेशन कार्ड ओपन हो चुका है। यहाँ पे रेशन कार्ड का नंबर है और इसके नीचे आने के बाद यहाँ पे नीचे देख सकते हैं दोस्तों, एक्टिव बोल के है, रेशन कार्ड एक्टिविटी है दोस्तों, ये स्टेटस एक्टिव दिखा रहा है। और नीचे नेम एंड एड्रेस है। ठीक है, और देख सकते हो दोस्तों, यहाँ एड्रेस पूरा डिटेल दिया है। और यहाँ पे दो देख सकते हो सेंटर में दोस्तों, यहाँ पे दो नंबर्स है, मेरा और मेरे भाई का एक नाम और आधार कार्ड लिंक। और यहाँ पे देखिए KYC एस बल्कि बता रहा है सक्सेसफुल है। और इधर लेफ्ट राइट साइड में व्यू देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे लेफ्ट साइड सॉरी राइट साइड में देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे हमको जो राशन मिलता है चावल, उस चावल की डिटेल्स टाइम चावल की डिटेल्स इधर दे दिया है, चावल, जवारी, तेल, दाल, केरोसिन, जो कुछ भी मिलता है यहाँ पे डिटेल्स मिल जाती है, यहाँ पे हमारे को डिटेल्स दे दिया गया है। और इसके नीचे जो नीचे दिया है दोस्तों, यहाँ पे एक ऑप्शन बता रहा है ना, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे डाउनलोड करने के लिए इस ऑप्शन के ऊपर हम क्लिक करनी है, यहाँ पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखो दोस्तों, यहाँ पे आपको इस वाटरमार्क को हम पिछले दिनों में माउस से राइट क्लिक करके हटा, इसको हम इंसेक्ट कर देते थे, ये स्पेसिंग पेन वाटरमार्क को हटा देते, लेकिन अभी इसका काम नहीं कर रहा है। इसलिए दोस्तों हम इसको फंक्शन की में जो टलो रहा था ना, फंक्शन की टलो, उसको फ्रेश करके भी, नहीं तो कंट्रोल प्लस आई बटन, कंट्रोल शिफ्ट प्लस आई बटन प्रेस करके भी इसको हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, इसको मैं वहीं पे करके इसको क्लिक कर दिया है, अभी ओपन हो गया। यहाँ पे हम कंट्रोल F दबा देंगे, F दबाने से यहाँ सर्च बार हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए सर्च बार आ गया। यहाँ पे हमें स्पेसीमैन बोल के लिखना है। स्पेसीमैन लिखने के बाद यहाँ पे ऊपर जो दिख रहा है दोस्तों, स्पेसीमैन के ऊपर नाम दिख रहा है, वहाँ पे जो यहाँ पे देख सकते दोस्तों, यहाँ पे साइड पे ऊपर जो ऊपर आपको दिख रहा है स्पेसीमैन देखे, वहाँ पे राइट साइड क्लिक करना है। राइट साइड क्लिक करने के बाद आपको नीचे एक ऑप्शन बता रहा है, डिलीट एलिमेंट बोल के दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करनी है। यहाँ क्लिक करने के बाद इसको वो पे करने के बाद यहाँ पे देख सकते दोस्तों, वाटर मार्क पूरा हट गया, हमारी जो राशन कार्ड है उसके ऊपर जो होता स्पेसीमैन कापी बोल के वाटर मार्क था ना, वो अभी देखिए यहाँ पे चला गया है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अब इसको हमें पूरा कंप्लीट देखेंगे, कट कर देंगे। यहाँ पे देख सकते दोस्तों, ये इसी तरह आपका जो गवर्नमेंट की ऑफिशियल है, कर्नाटक गवर्नमेंट का ऑफिशियल राशन कार्ड है दोस्तों, इसी तरह आपको मिल जाएगा। आप इसको बाद में कलर करके भी आप यूज़ कर सकते हैं दोस्तों, ऐसे भी इसको सेव कर सकते हैं। अभी इसको मैं सेव करने PDF फाइल में आ जाता है। ठीक है, इसको मैं अभी देख सकते हैं दोस्तों, अभी कंट्रोल P दबाने के बाद आपको इस तरह एक ऑप्शन होगा आ गया। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, इधर राइट साइड में यहाँ पे जो ऑप्शन है ये करेक्ट है, इसके नीचे है जो मोर सेटिंग्स मिलता है आपको, ये मोर सेटिंग को क्लिक करनी है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद नीचे देख सकते हैं दोस्तों, कॉपी कितना कॉपी चाहिए, वो A4 साइज का कॉपी है ना, वो ऐसे रख देंगे। ठीक है, ये भी है 1 रख देंगे, पूरा जो ऑप्शन है करेक्ट है ऑप्शन दोस्तों, इसके लिए उसको हम ऐसे रख कर इसको सेव कर देंगे। ठीक है, इसको यहाँ पे सेव कर देंगे। ठीक है, सेव करने के बाद आपको एक आपके फोल्डर में सेव हो जाएगा। यहाँ पे आप यही नाम को रख सकते हैं, नहीं तो इसको हटा भी सकते हैं, दूसरा नाम भी रख सकते हैं। मैं इसको हटा के दूसरा रख रहा हूँ, माई रेशन कार्ड 1 बोल के नाम लिखता हूँ, नाम लिखकर उसको सेव करूँगा। ओके, माई रेशन कार्ड 1।
ठीक है दोस्तों, उसको मैं अभी सेव कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, ये मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करो एंड शेयर करो। प्लीज़ मेरा यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।